हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज हम सब पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़, मेजरमेंट और यूनिट। फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टेड टॉपिक है। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार गुप्ता आज इस क्लास के माध्यम से पढ़ते हैं। चलो देख। फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मीजर कर सकते हो। मीजर का मतलब बता सकते हो कितना है। जैसे अगर बोला जाए 5 kg चीनी दो, तो 5 kg क्या आप मीजर करके बता रहे हो ना, 5 kg। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो गया, मास। मास का वेट बता सकते हो भाई, कितना आपने वजन करा के लिया। अगर बोला जाए लेंथ, 5 मीटर की लंबी रस्सी है, तो आप भी मीजर कर लिया लेंथ, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटीज है। तो फिजिकल क्वांटिटीज उसको बोलते हैं जिसको आप मीजर कर सकते हो। जैसे एक रस्सी लेना, उस रस्सी का लेंथ नापना है, तो अगर ये 5 मीटर आ गया, तो 5 क्या है, एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब कोई मात्रा है, वैल्यू है। और मीटर क्या है, मीटर मतलब उसको किस सेंस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उसका यूनिट है। ठीक है, तो ये 5 मीटर किसके लिए है, लेंथ के लिए है। तो लेंथ इज ए फिजिकल क्वान्टिटीज। फिजिकल क्वान्टिटी बहुत होते हैं, जैसे कि आप देखोगे वर्क भी फिजिकल क्वान्टिटीज है। ठीक है, टाइम भी फिजिकल क्वांटिटीज है, जिसको आप मेजर कर सकते हो भाई, बता सकते हो कितना है। वर्क को भी बता सकते हो, 10 जूल, 5 जूल। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी आपने समझा, ऐसा चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ये रहा डिफिनीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो कैसे, इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई रस्सी है यानी रोप है, उस रोप का लेंथ नहीं मालूम है, अननोन लेंथ रोप है। अननोन मतलब हमें जानकारी नहीं है कितने का है, अननोन डाटा है। ठीक है, नहीं जानते हैं। तो एक आता है स्टैंडर्ड डाटा यानी स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू या स्टैंडर्ड डाटा। इसके हेल्प से, स्टैंडर्ड मतलब आप स्केल देखे होंगे, 10 सेंटीमीटर का आता है, वो एक लंबा सा 5 फीट का आता है, जो कि लंबाई डिस्टेंस नापने के लिए यूज होता है। तो उसका, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड मतलब हमें जानकारी है। ठीक है, तो ये अननोन क्वांटिटी है, ये नोन क्वांटिटी है, नोन भी बोल सकते हो, जानकारी है। तो जब नोन क्वांटिटी के हेल्प से किसी अननोन क्वांटिटी को नापते हैं या मीजर करते हैं, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या है, ये रहा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मेजरमेंट हमने समझा, तो मेजरमेंट बहुत चीज़ का होता है। आप वेट को भी मीजर करते हो, कोई बच्चा पुश कर रहा है दूसरे बच्चे को, तो कितना फोर्स लगा रहा है उसको भी नाप सकते हो। तो मेजरमेंट वहाँ पर भी हो रहा है, फोर्स वहाँ पे भी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है यूनिट्स। यूनिट क्या होती है, तो देखो अभी आपने बोला कि मैंने 5 मीटर का रस्सी लिया। ठीक है, तो 5 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये नंबरिकल वैल्यू है। क्या है बाबू, नंबरिकल वैल्यू है। मीटर क्या है, मीटर यह बताता है कि जो गिवन डाटा है उस डाटा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस सेंस में, तो वही क्या है आपका यूनिट है। जैसे अगर वेट कर रहे हो किसी चीज़, चीनी को तौल रहे हो, तो आप बोलोगे 5 kg, तो 5 तो नंबरिकल वैल्यू हो गया, लेकिन केजी क्या है, यूनिट है। तो यूनिट हर एक सेंस में अलग हो जाएगा। अगर फोर्स लगा रहे हो तो वहाँ पर यूनिट न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट एक क्वांटिटी है जिसके हेल्प से आप एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड को बता सकते हो, वो कितना वैल्यू है किस सेंस में। अगर लेंथ के सेंस में हो तो कितना है लेंथ, 5 मीटर है, 5 मीटर है, तो मीटर क्या है, यूनिट है। यहाँ तक हमने समझा यूनिट। अब देखो, अब यूनिट में भी कई प्रकार के होता है। एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट जानने से पहले यूनिट का डिफिनीशन ये रहा। ठीक है, अब देखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स किसको बोलते हैं, ऐसा यूनिट जो कि बेसिक हो, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब सेल्फ। नहीं दो फंडामेंटल यूनिट मिलेंगे, बस सेल्फ रहेगा। जैसे होता है पहला टाइम, ठीक है, दूसरा होता है मास, तीसरा होता है लेंथ। ठीक है, ऐसा ही करके बहुत ज़्यादा है, लिए रहा आपके स्क्रीन पर। ठीक है, अब देखिए आगे, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, 7 में 2 है सॉलिड एंगल और एंगल। ठीक है, ये रहा स्क्रीन पे। अब देखते हैं आगे, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, अब इनका यूनिट भी होता है। जैसे टाइम का देखोगे सेकेंड होगा, ठीक है, मास का होगा kg, लेंथ का होगा मीटर। ऐसे ही चार्ट हैं, वो भी समझेंगे। पहले इतना हम समझते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स होता क्या है। ऐसा यूनिट जिसको आप, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, वो सेल्फ रहता है। नहीं दो फंडामेंटल यूनिट आपस में मिलेंगे, अगर वो दोनों मिल जाते हैं तो कोई दूसरी यूनिट बन जाती है, जिसका नाम क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट्स। क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट।
ठीक है, तो डिराइव्ड यूनिट का डिफिनेशन ये रहा। तो डिराइव्ड यूनिट समझते हैं क्या होता है। ऐसा यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से बना हो। जब दो तीन फंडामेंटल यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है बाबू, डिराइव्ड यूनिट बनता है। ऐसे पूछ सकता है आपका कि अगर वॉल्यूम है, ठीक है, या एक ही फंडामेंटल यूनिट्स हो, बार बार रिपीट हो जाए तो डिराइव बन जाएगा। जैसे आपका फोर्स हो गया, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। मास का मतलब होता है केजी। तो आप ये पढ़े थे कि केजी क्या है बाबू, ये आपका फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक है। और एक्सीलरेशन का मतलब होता है द चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी किस रेट से आपकी वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किस रेट से आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वी बाई टी। वी का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड। तो फाइनली बनेगा के जी इंटू एम बाई एस स्क्वायर। एस मतलब सेकेंड, एम मतलब मास, के जी मतलब कि मास के लिए, ठीक है। एम मतलब मीटर, सॉरी यहाँ पर मीटर होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ये सेंस करना है कि फोर्स है भाई, तो इसमें फंडामेंटल यूनिट्स आएंगे। देखो के जी है, एम है, एस है, तो ये जो आपका फोर्स है ये फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना है, इसीलिए क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स है। ऐसे ही वॉल्यूम ले लो, वॉल्यूम का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट। या अगर क्यूब लेते हो तो साइड का होल क्यूब हो जाता है, तो लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर, ब्रीथ का मीटर, हाइट का मीटर, ये तीनों मिल गए तो मीटर क्यूब। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, लेंथ का यूनिट आ गया मीटर, लेकिन तीन बार आया तो ये भी डिराइव्ड है, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट्स एक ही फंडामेंटल यूनिट्स बार बार रिपीट करेंगे तभी डिराइव्ड होगा, और दो तीन फंडामेंटल यूनिट आपस में मिलेंगे तब भी क्या बनेगा, डिराइव्ड बनेगा। तो हमने आज क्या जाना, फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, मेजरमेंट ऐसा प्रोसेस जिसके हेल्प से हम अननोन क्वांटिटी को नाप सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोन क्वांटिटी यूनिट्स। अगर हम किसी चीज़ को, अगर कोई मैग्नीट्यूड है उसको हमने निकाला, पता लगाया, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किस वैल्यू में रिप्रेजेंट करेंगे वो यूनिट होता है। जैसे अगर बोल दिया जाए लेंथ मैंने नाप लिया, 5 मीटर हो गया, 5 है, तो आगे क्या बोलूँगा, तो मीटर है, मीटर मतलब लेंथ के सेंस में है। अगर मैं बोल दूँगा पुश कर रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ 5 न्यूटन का, तो 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन न्यूटन क्या है, उसका यूनिट है, क्योंकि उसका सेंस लेंथ से अलग है। इसीलिए यूनिट बार बार चेंज होता है जब सेंस चेंज होता है, यानी टाइप चेंज होगा। जैसे अब लेंथ नाप रहे थे, अब यहाँ पर फोर्स हो गया, फिर कभी एक्सीलरेशन हो सकता है, तो एक्सीलरेशन में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिफिनेशन ये रहा, अभी पढ़ा डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये भी डिफिनेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली आज। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय।